प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक ऐश्वर्य की भव्य धरोहर ओडिशा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित ओडिशा के विजन के अनुरूप बीते 10 वर्षों में ओडिशा में भारत सरकार द्वारा रिकॉर्ड निवेश किए गए हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। इसी श्रृंखला में आज ओडिशा को मिलने जा रही है लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जिनसे ओडिशा की जनता को मिलेंगे अभूतपूर्व लाभ। इनमें से जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है उनमें प्रमुख है पारादीप रिफाइनरी में 5,700 करोड़ रुपए की लागत वाला मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल प्रोजेक्ट, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक मजबूत कदम है। साथ साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पारादीप में 745 करोड़ रुपए की लागत वाली 0.6 MMTPA LPG आयात सुविधा, 1300 करोड़ रुपए की लागत वाली पारादीप सोमनाथपुर हल्दिया उत्पाद पाइपलाइन का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। 135 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में समुद्री जल अलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया है, जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना से ओडिशा के लोगों के लिए नल से जल मुहैया होगा। रेलवे के क्षेत्र में भी 6 परियोजनाओं का आज शिलान्यास, उद्घाटन तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं बांसपानी दैतारी डोम का जखापुर लाइन का दोहरीकरण, कॉनकोर कंटेनर डिपो का आज उद्घाटन किया जाएगा, साथ ही नरला में और कांटाबाजी में ओवरहॉलिंग वर्कशॉप। इसी श्रृंखला में ओडिशा की जनता को बेहतर यातायात की सहूलियत के लिए नई ट्रेन सेवाएं, पुरी आनंद विहार टर्मिनल और पारादीप केंदू झारगढ़ तथा MMLP जाजपुर से ICD दादरी तक एक कंटेनर ट्रेन को भी आज प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही पहली बार केंदू झारगढ़ से नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन सेवा भी शुरू की गई है। ओडिशा की रोड कनेक्टिविटी में सिंघरा बिंजाबहल, बिंजाबहल से तेलीबानी और बालासोर झार पोखरिया तथा टांगी भुवनेश्वर खंड की 6 लेनिंग का आज लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ साथ NH-53 के चंडी खोल पारादीप खंड की 8 लेनिंग तथा NH-20 कुआखिया मंगलपुर सेक्शन किलोमीटर 35.8 तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन 2 लेन की आधारशिला रखी जाएगी। इन सड़क और रेल परियोजनाओं से ओडिशा में कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है और यहां के लोगों के लिए यात्रा के समय में कमी सुनिश्चित हो रही है। 60 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित कर इन परियोजनाओं द्वारा ओडिशा में सामाजिक और आर्थिक खुशहाली की एक नई लहर आई है। माननीय प्रधानमंत्री आज ओडिशा को 20,000 करोड़ की 16 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं।